हमने जब यूके में मेहनत करके जो कमाई कमाई थी तो ये बंदा एक झटके में ढाई तीन माह के अंदर अंदर हमारा सब कुछ लूट के ले गया हमें सड़क पे छोड़ गया मेरी माँ इस हाल से घर से बेघर हुई हुई है हम दोनों माँ बेटियाँ अकेले बिल्कुल लूट गए पाकिस्तान आने का क्या ये मतलब है क्या अब ओवर चीज़ पाकिस्तान आना छोड़ दें पुलिस ने हमें बेानतहा जलील किया मैंने इतनी एप्लीकेशन वहाँ से भेजी हैं उन्होंने कहा जी फोकल पर्सन वो भी हम मैंने अपना यहाँ अपॉइंट किया था उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी मेरी माँ की सेहत उतनी डाउन होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता चलना भी शुरू हो गए थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि इलाज मुआवालजे के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे लेकिन इसी दौरान उन्होंने रहाइश के लिए एक घर जो है वो ख़रीदने के लिए लिया तो इसी दौरान एक जो प्रॉपर्टी डीलर है उसके साथ इनका रबता हुआ लेकिन प्रॉपर्टी डीलर ने निकाह का जांसा दिया जाली निकाह नामा दिखाकर खातून के तमाम जो करोड़ों मालिक का घर था जेवरा थे गाड़ी थी वो तमाम गबन कर लिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया लेकिन मुतासरा खातून की वालदा भी यहाँ पर मौजूद है इनके इलाज मुआवजे के लिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी लाहौर आए थे इनसे जानते हैं कि अभी तक क्या हुआ जी मेरा नाम जेबुनसा है मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी ब्रिटिश नेशनल हूँ मैं दो हजार तेईस में मैं आई थी अपनी वालदा के इलाज के सिलसिले में तो हम लोग ना घर छोटा था उसको बड़ा घर खरीदने के लिए ना हम लोग सर्च करा रहे थे तो इस तरह करते करते हम पी एंडी सोसाइटी चले गए मैं अपने मामों के साथ पाँच महल का बड़ा घर हम लोग देख रहे थे तो उस दौरान ये साजिद नामी डीलर है मामूली सा ये डीलर है इसको किसी ने अपनी वो ऑफिस में बिठाया हुआ था नौकरी करता था वहाँ ये उससे हमारी मुलाकात हुई तो इसी दौरान फिर मेरी वालदा की तबीयत ख़राब तो हो, हो गई पाँच मरल का हमारा घर था आसी ब्लॉक में तो इसने जब देखा इसने कहा जी आपका घर जन सा ये बड़ा वो है लो मटेरियल का बना हुआ ये इतना ख़ास नहीं आप इसको सेल करें और उसी दौरान ये मेरे साथ ना ये निकाह का ड्रामा भी कर चुका था उस वक़्त शोहर बन के ना इसने ड्रामा किया कि मैं पाँच दिन में ना तुम मेरे साथ चलो मेरी वालदा मना करती रही इसने ज़ोर ज़बरदस्ती करके ना हमें ले गया उधर जूबली टॉन घर दिखाने के लिए मेरी मदर राजी नहीं थी वो कहते कि हम जब वापस आएंगे तो फिर हम लेंगे अभी हमारा घर सेल ना करवाओ तो इसने फिर जोर ज़बरदस्ती करके प्रेशराइज़ किया इसने हमें प्रेशराइज़ किया लड़ने लगे हमारे साथ तुमने बंदों में मेरी बेस्ती करवा दी है और तुम्हें ये घर लेना पड़ेगा बहरहाल फिर मेरी मदर भी बीमार है अंडर प्रेशर आ गई इसके फिर हमने इसकी बात मान ली तो इसने वो घर सेल करवा दिया वो इसने मुझे कहा कि दो करोड़ पच्चीस लाख का सेल हुआ है मैंने दो करोड़ दस लाख का बाय किया जब घर ले लिया निकाह उससे पहले कर लिया था या बाद में किया आपने शादी आपकी होगी तो हाँ जी ये निकाह का ड्रामा मेरे साथ कर चुका था जी और मैं इससे कई बार मांगती रही हूँ कि साजिद मुझे निकानमा दो ये मेरा शरीय हक है मेरा निकानमा किधर है आज डेढ़ साल के बाद मुझे पुलिस वालों ने उनसे मुझे एक फोटो मिली है वो भी अटेस्टेड नहीं है उसका कोई अंदराज नहीं है ना नादरा में रिकॉर्ड है ना उसका जो यूनियन कौंसिल है अच्छा आपने घर ले लिया उसे, उसके बाद क्या हुआ शादी होगी फिर आप वापस बरतानिया चलेगी जी नहीं घर इसने तो मेरा आसिफ ब्लॉक वाला सेल करवा दिया था उस ये कहकर के पाँच दिनों में जुबली टाउन में इसने हमें बहुत खूबसूरत मकान दिखाया था पाँच दिनों में मैं ये तुम्हारे नाम करवाऊंगा उस वक्त तक निकाह हो चुका था कि मैं इसके उसमें इसने मुझे अपने जाल में पूरा फंसाया हुआ था कि तू मेरी बीवी हो बहुत हर वक्त इस्लामी और दीनी बातें करना इतनी इतनी इसकी दाढ़ी है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा तुम्हारी हर चीज़ मेरे पास जमानत है इससे पहले बताया जा रहा है कि आपसे इसकी पाँचवीं शादी है चार शादियाँ जी पहले से भी की हुई हैं और इस बात के दो लोग गुआ हैं एक सदाम बर्गर वाला टाउनशिप मोहम्मद हुसैन उसका नाम है मैंने उसको कहा कि भाई इसने हमें भी वर्ग लाया मेरा भाई बन गया था तब मुझे वर्ग लाया और एक और है अब्दुल्ला इसका प्रॉपर्टी डीलर है वो भी इसके साथ ही इस मामूली साहब वो वो भी इन दोनों ने इसकी बहुत तारीफ़ें की हैं और उसने फिर जब मैं यूके में इसको ढूंढ रही थी उसके बाप ने फिर मुझे बताया था उसने कहा अगर आपको बाजी मेरा यकीन है मेरे, मेरे बू से बात कर लें वो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने उन्होंने भी बताया था और सदाम जो बर्गर वाला है उसने भी बताया था कि आपका निकाह जली हुआ है और आप इसकी पाँचवीं बीवी हैं फ्रॉड होने के बाद आपने पुलिस से रबा किया पुलिस ने क्या किया पुलिस ने हमें बेानतहा जलील किया है मैंने इतनी एप्लीकेशनें वहाँ से भेजी हैं और उन्होंने कहा जी फोकल पर्सन वो भी हम मैंने माँ यहाँ अपॉइंट किया था उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी पुलिस वाले उस वक्त जो सना उन्होंने हमारा बिल्कुल हमारे साथ ताउन नहीं किया उन्होंने इसको छोड़ दिया जो मेरा फोकल पर्सन था उसने मुझे बताया कि भाजी ये हंसता हुआ वहाँ से थाने से बाहर चला गया और ये मुझे दिखा कर गया कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते वाकई फिर हमने यहाँ पर आ वकील किया उस वकील ने उसका नाम है कमर अब्बास अस्सी या पचासी साल उसकी उम्र होगी काफ़ी उम्र सीधा बंदा वो हमारे तो पैसे तो खा गया सात आठ लाख के करीब वो हमारे पैसे खा गया मेरी माँ की सेहत उतनी डाउन होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता चलना भी शुरू हो गए थे जी इसने हमें घर से बेघर कर दिया हमारा घर बेच दिया हमारे पैसे ले गया मेरे साथ तो लाख के सेविंग सर्टिफिकेट थे कौमी बचत में ये कहने लगा जी मेरी इतनी दाढ़ी मैं मज़हबी बंदा हूँ लोग कहेंगे इसकी बीवी सूत खाती है मेरे वो भी पैसे ले गया मेरी गाड़ी भी ले गया कहता माँ मज़ूर है हमें बार बार टैक्सी मंगवानी पड़ती है मैंने कहा गाड़ी मेरे नाम पर लोग ज़हर बात है वो मेरा पैसा है इसने वो भी धोखे तो से तो अपना नाम करवाया कहता ओपन लेटर पर लिया है वो अब मुझे पता चल रहा है ऐप वगैरह से कि वो और मेरी गाड़ी इसने अपना नाम करवाई है जो तफशीशी अफसर है ए एस आई वो उसका बिल्कुल दोस्ताना रवैया है और उसको चाय वगैरह पिलाता है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और उस गाड़ी में अगर मैं नहीं बैठ सकती तो इस मुजरम को क्यों बिठाया जा रहा है हमने डीएसपी साहब के दफ्तर जाना था उस गाड़ी में उसको बिठा कर लेकर आते हैं मुझे चढ़ाने के लिए जी और मैंने कहा भी कि भाई अगर इस गाड़ी में मैं नहीं बैठ सकती तो ये क्यों बैठता है तो वो फिर आगे से मुझे बातें सुनाने लग जाते हैं मेरे मुझे झाड़े डालते हैं जो ए ऐसा है ना वो बिल्कुल टोटली हंड्रेड परसेंट का साथ दे रहा है आपका किससे और क्या मुतालबा है कि आप क्या हैं हमारा आई पंजाब से हमारा मुतालबा है मरीम नवाज़ साहिबा से जो वो वजीर ज़रिया पंजाब है उनसे हमारी अपील है कि हमारा सब कुछ चला गया हमने जब यूके में मेहनत करके जो कमाई कमाई थी तो ये बंदा एक झटके में ढाई तीन माह के अंदर अंदर हमारा सब कुछ लूट के ले गया हमें सड़क पे छोड़ गया मेरी माँ इस हाल से घर से बेघर हुई हुई है क्या पाकिस्तान आने का ये मतलब है क्या आप आए और यहाँ पर लुटे रहे और फ्रोटिए बैठे हुए पाकिस्तान का दूसरा नाम क्या फ्रॉड होना चाहिए धोखेबाजी होनी चाहिए जो हमारे साथ हुई है तो मेरी इन सबसे अला और काम है जिनसे उनसे मेरी अपील है कि हमारी रिकवरी कराई जाए वो बहुत बड़ा ड्रामेबाज है बड़ी स्टोरियाँ बना रहे हैं पुलिस वाले बिल्कुल कम्पलीटली उसके साथ हैं मेरी वो एक नहीं सुन रहे मैं अकेली हो तो रहा मैं बीमार पड़ गई हूँ अपनी दुहाइयाँ दे दें कि अब तो हम इस हालत में भी नहीं कि हम कमाएं इस सारी हमारी कमाई हमने मेहनत मजदूरी करके तो जमा किया था शोहर बन के मैं जो जहाँ सा दे सब कुछ ले गया डेढ़ साल से ये बंदा गायब है मैं डेढ़ साल के बाद मैंने आज निका नामे की फ़ोटो कापी देखी है मैं इसे कहती थी साजन मुझे फोटो मुझे मेरा निकाह नामा दो मेरा शरी हक है डेढ़ साल के बाद ए ऐसा इसमें मैंने तरले वास्ते डाल के लिए वो बंदा टोटली इसके साथ है अख्तर उसका नाम है वो मेरी एक नहीं सुनता और बस उसको दोस्तों की तरह पास बैठा कर कभी चाय पिला रहा है कभी गाड़ी में ले जा रहा है और बिल्कुल उसने अभी तक उसे एक थप्पड़ भी नहीं लगाया और बस वो ये कह रहा जी मियाँ भी है या नहीं है आप मेरी रिकवरी करवाएँ मेरी जो आला हकाम है मेरी उनसे गुजारिश है हम दोनों माँ बेटी अकेले बिल्कुल लुट गए पाकिस्तान आने का क्या, ये मतलब है क्या पाकिस्तान आना छोड़ दें दूसरी बात यह है कि ये साजिद अकेला नहीं है इसके बहन भाई खालद इसके बड़े भाई का नाम है सना आमना इसकी बहने इसके माँ बाप ये सब मिले हुए थे ये पूरा एक ग्रुप है ये अकेला नहीं है इसने अकेला ने यह सारी एजेंसी है इसने अकेला ने ये वारदात नहीं की है इसने सबको उसमें मिलाया था अपने बहन भाइयों को वहाँ आपको मेरी तस्वीरें भी उनके साथ आप प्रूफ के तौर पर वो भी देख सकते हैं तो ये अकेला नहीं है वो हम मैंने वो एफ आई आर में सब के नाम लिखवाए हैं लेकिन वो जो है ना ए एस आई इस बात पे कोई गौर नहीं कर रहा बस वो कहता जी मैं मुजरे में मैंने मुलजिम मैं है इसको पकड़ लिया है